विष्णु ठीक है आगे आगे उषार सिंह तो शेखावत है, हमारे बस स्टैंड पर हमेशा मौजूद रहते हैं। भाई सुने, उषार सिंह सुनो, सुनिए ठाकुर गोविंद सिंह की तरफ से, और ये कुश्ती 500 रुपए की स्पेशल है भाई। ये ठीक मिल जाएगी ना, सही बढ़िया मेरा खराब हो बोलियो आके कुछ स्पेशल बोलते साधु सलाम कुछ कुश्तियां जो अपने नाम से दानी दत्ता करवा रहे हैं, तो उनमें कुछ नाम है, हम उनको अलाउंस करेंगे। तो एक ये 500 रुपए की कुश्ती जो अभी नहीं, पिछले मेले में रानी गंगा भीषण भी जिन्होंने करवाई थी, और अब भी 500 रुपए की कुश्ती छाजूराम जो वाल्मीकि है चंदेलिया साहब वो करवा रहे हैं। छाजूराम सुनो पूर्णचंद चंदेलिया जी, महाराज जी यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे दानी दाता ऐसे सज्जन हैं जो हर जगह पहुंच के अपना नेक कमाई में से कुछ अंश दान करते हो। और एक 1100 रुपए की कुश्ती, आप नाम बोलो सर, बोल दिए फिर एक बार। ये 1100 रुपए की कुश्ती बलवीर सुनो पे स्वर्गीय नथुराम सुनो उदाराम प्रजापत, तो ये 1100 रुपए की कुश्ती उनकी तरफ से है। बलवीर जी भिवाणी ये पहलवान एक श्यामपुरा से, और ये दूसरे जो पहलवान है मास्टर उषार सिंह खड़ा द्वारका से, मास्टर उषार सिंह जी ने भी ये 1100 रुपए की वही होगी बलवीर की जो कुश्ती बलवीर स्नोप स्वर्ग नथुराम स्नोप उताराम प्रजापत उनकी तरफ से 1100 रुपए की कुश्ती है। वास्तव में वो भी बहुत महान आदमी है, दिवाणी में भी रहते हुए भी गांव की तरफ भी पूरा ध्यान रखते हैं हमेशा। ऐसे दानी दाता सज्जन का हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। और भाई एक कुश्ती 1100 रुपए की जो नाम मैं बोलूंगा वो एक ऐसा आदमी है जिसको बच्चा बच्चा सब जानते हैं, अपने गांव में नहीं आसपास के गांव में भी हमेशा एक कुश्ती जरूर करवाता रहा। की बार उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा के अपना जो सहयोग है वो दिया है, 1100 रुपए दिया है निहाल सिंह प्रजापत सनोप श्री उदाराम निहाल सिंह भाई। अब थोड़ा महंगा हो गया ना, तुमने खड़ी कुश्ती महंगी करवाई, अब की बार 1100 रुपए करवाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी कह दिया कोई कमी रहा तो बता दियो, मैंने भी कहा बस स्टैंड पे दिल खोल के हमेशा पूरा सहयोग करते हैं। और इस बाबा के आश्रम में उन्हीं की तरफ से जो भंडारा था उसमें सब्जी जो भी आई थी उन्हीं की तरफ से ही आई थी,
तो उनका बार बार तहे दिल से धन्यवाद ऐसी दानीदाताओं के कारण ही ये सभी ऐसे महाकुंभ हो रहे हैं। जो जो यहाँ महान संघ सिद्ध बैठे हैं अगर कोई दिक्कत है तो ठीक रहेगा, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं होगा। बोलू किधो